कि ये है कहानी एक अप्रैल 2024 की जब हमारी बैलेंस शीट यानी पिछले एक, एक अप्रैल को हमने जब चेक करा था तो हमारे पास बिल्डिंग एक लाख रुपए की पड़ी हुई थी ठीक है अब दो महीने बाद मान लेते हैं एक जुलाई को ये सब कि एक काम करो यार प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल देते आज की तारीख में हमारी बिल्डिंग की इन दो महीने के अंदर मान लेते कुछ हो गया कीमत है एक लाख बीस हजार रुपए आज की तारीख में हमारी बिल्डिंग की कीमत है एक लाख बीस हजार रुपए तो मुझे एक सिंपल सी बात बताओ ये जो तो तीन महीने में जो बीस हजार रुपए का इंक्रीमेंट आया है फायदा आया है प्रॉफिट आया है प्रॉफिट नहीं सो गेन बोलते हैं गेन आया है इस बीस हजार रुपए के गेन पर किसका हक है पिछले दो तीन महीने में मेहनत करके पार्टनरों ने बिल्डिंग की वैल्यू को इंक्रीज कर दी पिछले दो तीन महीने में जो ये काम हुआ है जो बीस हजार रुपए का एसेट इंक्रीमेंट हुआ है इस पे किस पार्टनर का हक हाँ है या कौन से पार्टनरों का हक हाँ है आप बोलोगे सब दोनों पार्टनरों का हक हाँ है दोनों का हक हाँ है ना भाई दोनों ही कंपनी चला रहे थे अब एक और सवाल का जवाब दीजिए किस रेशो में हक हाँ है मतलब इनकी मेहनत किस रेशो में होगी ये बीस हजार रुपए का जो प्रॉफिट है जो गेन है ये किसको कितना मिलना चाहिए तो हम बोलेंगे जनाब एक जुलाई के बाद ये हुआ है टिल वन जुलाई जब इस बिल्डिंग की वैल्यू बीस हजार ये पार्टनर ओल्ड रेशो में ही काम कर रहे थे तो हम ये मानते हैं कि जो ये बीस हजार रुपए का गेन है ना ये पार्टनरों का ओल्ड रेशो की मेहनत का पैसा है भाई तो एक जुलाई से हम लोग नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में इक्वल इक्वल बांटेंगे अभी जो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी है वो तो उस पहली तारीख में बढ़ी है अप्रैल से एक जुलाई के बीच में तब तो हमारा क्या था तो जो एक्स्ट्रा बीस हजार का गेन हुआ है वो गेन हम ओल्ड रेशो में बांटेंगे ठीक है ठीके? इसी तरीके से एसेट एसे की वैल्यू जैसे बीच में बढ़ी है कम भी हो सकती है लाइबिलिटी की भी वैल्यू बढ़ सकती है लाइबिलिटी की भी वैल्यू कम हो सकती है यानी इन दो तीन महीनों के अंतराल में हो सकता है पार्टनरों के काम से किसी को फायदा हो किसी को नुकसान हो तो सारे एसेट और लाइबिलिटी की वैल्यू के फायदे और नुकसान को कैलकुलेट करने के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है उसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट या पीएनडल oh, ठीक है वैल्यू ऑफ एसेट और लाइबिलिटी एसेट या लाइबिलिटी की वैल्यू में कम होना या ज्यादा होना टू द डेट ऑफ चेंज इन पी एस आर जिस तारीख को आपका पीएसआर बन रहा है उस तारीख तक जो भी बदलाव हुआ है For the period before the change in PSR, therefore it should be shared among the partner in old ratio. ठीक है अब आज की तारीख में हम शेयर बदल रहे हैं तो आज से पहले जो कुछ भी फायदा या नुकसान हुआ है वो पुराने पार्टनरों ने पुराने रेशो में लिया था तो भाई अगर कोई से फायदा निकल रहा है या नुकसान निकल रहा है तो उनको या तो ओल्ड रेशो में बांट दो, दो तरीका है या तो ओल्ड रेशो में बांट दो जिससे इस बदलाव से किसी भी व्यक्ति को ना जायज फायदा ना हो समझ के देखो भाई हमने नहीं बांटा क्या होगा ए बिना वजह अपनी मेहनत का वन बाय टेन हिस्सा बी को चुका रहा है बिना वजह कोई वजह है क्या इस बात की भाई मेहनत तो हमारी एक अप्रैल से एक जुलाई की थी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जुलाई के बाद आ रहा है फिर भी मैं वन बाय टेन हिस्सा कमा गवा रहा हूं और भी बोलेगा चल मेहनत तो उसने करी थी प्रॉफिट मेरा हो गया तो ये गलत बात है तो इसलिए पार्टनर दो तरीके अपनाएंगे पहला कि भाई ओल्ड रेशो में हमें वो प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है प्रॉफिट और लॉस जो भी हो रहा है वो हम पुराने रेशो में बांट देते हैं दूसरा तरीका है कि नहीं, नहीं। कोई हम नहीं बांटेंगे कौन करेगा इतनी माथा पच्चीस कौन वापस से बैलेंस शीट बनाएगा एक काम करो कितना हो रहा बीस हजार तो एक काम कर तेरा कितना बनता है? बनता है है साहब मेरे का तो मुझसे ले लें वही गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग जो अपन ने पहले किया था कि भाई अगर पार्टनर नहीं चाहते कि वो ये सारा माथा मारे तो नेट इफेक्ट निकाल लो यानी ये पता कर लो कि टोटल एसेट में कितना बदलाव आया है वो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में बढ़ जाए ठीक है अब देखो मतलब समझना बहुत मजा आए इस अकाउंट के बारे में जिसको हमने बात करी इसको बोलते हैं री दो शब्दों से बना है री यानी वापस वैल्यूएशन वैल्यू वापस वैल्यू तो ये जो अकाउंट है ये क्यों बनाया जा रहा है ताकि हम जितने भी एसेट हैं जितनी भी लाइबिलिटी है उनकी रीवैल्यू करें वापस से उनको एक नई वैल्यू दें समझ में आ रहा है तो दिस अकाउंट को बनाने का पर्पज क्या है इन ऑर्डर टू मेक एसेट एंड उनको वैल्यू करना है ठीक है अभी अकाउंट बनाते कैसे देखो बहुत आसान है सबसे आसान है पूरी अकाउंटेंसी का रिवेल्यूशन अकाउंट ठीक है पहली चीज फॉर्मेट देखते हैं तो फॉर्मेट कुछ ऐसा बनता है ये लो ये पापा फॉर्मेट बनता है पापा फॉर्मेट मतलब पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट सवाल पूछो सर इसमें डेट आती है क्या नहीं आती मेरे भाई क्यों नहीं आती सर अरे इसलिए नहीं आती क्योंकि ये किसी एक ही दिन बनाया जा रहा है गया एक जुलाई को जब हम छेड़ रहे हैं तो भाई पुराना सारा हिसाब क्लियर कर रहे हैं तो ये मान लो एक जुलाई को बनाया जा रहा है तो अच्छा लगेगा कि हम पूरे अकाउंट में इधर भी डेट का कॉलम बनाए डेट का कॉलम बनाए सब में एक ही जुलाई लिख दे अच्छा नहीं लगेगा ना तो यहां पर हम ऊपर लिख देंगे कि भाई कौन सी तारीख को हम बना रहे हैं ठीक है तो ये हो गया रिवेल्यूएशन अकाउंट अब समझो फॉर एग्जाम्पल मानते हैं हम बिल्डिंग वाले एग्जाम्पल लेते हैं। हमारी जो बिल्डिंग है उसकी कीमत थी एक लाख और आज की तारीख में हमारी बिल्डिंग की कीमत हो गई एक लाख बीस हजार ठीक है ये ओल्ड है ये न्यू है समझ रहे इसको रिवेल्युएशन के अंदर कैसे लिखेंगे जनरल एंट्री भी समझा रहा हूं और आपको बेसिक अकाउंट पोस्टिंग भी समझा रहा हूं देखो बहुत आसान है एक लाख और बीस हजार बिल्डिंग की वैल्यू कितनी बढ़ गई इंक्रीज हो गई क्या था कोई प्रॉब्लम है पुरानी बिल्डिंग की वैल्यू थी एक लाख रुपए अब बिल्डिंग की वैल्यू एक लाख बीस हजार हो गई है तो इन दो तीन महीनों के अंदर बिल्डिंग की वैल्यू में बीस हजार रुपए का इंक्रीमेंट है याद रखें खरीदी नहीं है बिल्डिंग आप बोलो सब बीस हजार की बिल्डिंग खरीदी अरे तुमने कैश दे के बिल्डिंग खरीदी है तो वो अलग चीज है वो तुम्हारी मेहनत नहीं है वो तो रोकड़ा है ये जो बीस हजार का इंक्रीमेंट है कि बस ऐसे ही आ गया किसी और वजह से ठीक है देखो तो एक लाख की बिल्डिंग एक लाख बीस हजार की हो गई तो हमारे एसेट बीस हजार रुपए बढ़ गए इसको कैसे शो करते हैं अकाउंटिंग में समझना बीस हजार रुपए के एसेट है एसेट का बैलेंस कौन सा होता है समझाओ मुझे एसेट का बैलेंस कौन सा होता है मैं एक और पेज लेता हूं रुको एक और पेज लेंगे एक ब्लैंक पेज ऐड कीजिए जरा ये लो एक ब्लैंक पेज ऐड कीजिए मजा आएगा करने में बैलेंस कौन सा होता है तो आप बोलेंगे सर एसेट का बैलेंस होता है डेबिट कौन सा बैलेंस होता है डेबिट हमारे एसेट हमारी बिल्डिंग बीस हजार रुपए बड़ी है इंक्रीज हुई है तो जब एसेट इंक्रीज होते हैं तो उनको डेबिट किया जाता है अपन ने कक्षा ग्यारहवीं चैप्टर नंबर छह रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की मॉडर्न अप्रोच में पड़ा है जब एसेट बढ़ता है तो उसको डेबिट किया जाता है तो हमारी बिल्डिंग एक लाख से एक लाख बीस हजार हो गई यानी बीस हजार की हमारी बिल्डिंग बढ़ गई तो हम एंट्री करेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट बिल्डिंग बढ़ गई है कितनी बढ़ी है बीस हजार से क्यों बढ़ी है पता नहीं हमने तो वापस कैलकुलेट करी थी तो बढ़ गई क्यों बढ़ी पता नहीं इसलिए हमने दूसरा के नाम क्या लिख दिया ये हो गई जनरल एंट्री कल एक बच्चे ने पूछा था नरेशन लिखनी है लिखनी है जब भी जनरल एंट्री करो नरेशन बाई डिफॉल्ट आता है ठीक है तो बिल्डिंग टू रिवैलुएशन सर रिवेलुएशन क्यों आया क्रेडिट में क्योंकि कुछ और था ही नहीं भाई हमने तो वापस कैलकुलेट करा और बीस हजार तो ज्यादा आ रही है तो लिख दिया और हमें वैल्यू नहीं पता थी तो हमने लिखा कि भाई हम तो रिवेल्युएशन बनाते समय कैलकुलेट कर रहे समझ में आया ठीक है चलो मान लेते हैं कि आपने ये देखा और इसके अंदर इसको मिटाता हूं आ, ये लो अरे ये तो मिटेगा ही नहीं चलो कोई बात बिल्डिंग की वैल्यू सत्तर हजार रह गई पहले कितनी थी एक लाख कितनी रह गई सत्तर यानी बिल्डिंग की वैल्यू तीस डाउन आ गई है कम हो गई है तो भैया जब एसेट की वैल्यू कम होती है तो क्या करते हैं एसिड जब कम होता है तो उसको क्रेडिट करना पड़ता है यानी कि टू बिल्डिंग आप लिख दीजिए और डेबिट में आ जाएगा क्या पता नहीं तो रिवैल्युएशन अकाउंट सिंपल तीस हजार रुपये अगर हमारे बिल्डिंग की वैल्यू कम हुई है तो ठीक है ये तो हो गई एसेट की बात अब बात करते हैं लाइबिलिटीज ठीक है तो लाइबिलिटीज में कोई एक लाइबिलिटी मानते हैं मां मान लो क्रेडिटर है ना हमारे पास क्रेडिटर्स थे, जिनकी ओल्ड वैल्यू थी पचास हजार ओल्ड और न्यू कितनी हो गई न्यू हो गई मान लेते हैं चालीस हजार पहले पचास थी अब कितनी हो गई चालीस तो लाइबिलिटी क्या हो गई कम वापस से चैप्टर नंबर छ मॉडर्न अप्रोच लाइबिलिटीज की वैल्यू जब कम होती है तो उनको करते हैं डेबिट तो लिखेंगे क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू क्या हो गया भाई वापस क्यों पीछे जा रहा था टू पता नहीं क्यों तो रिवैल्युएशन कितने से लिखेंगे अमाउंट इंपॉर्टेंट है दस हजार याद रखिए हम यहां री कर रहे हैं न्यू वैल्यू अकाउंट नहीं है री अकाउंट है न्यू वैल्यू अकाउंट होता तो मैं यहां चालीस हजार लिखता पर हमारा तो नाम है री वैल्यू वापिस से वैल्यू तो वापिस से बीस हजार का बदलाव इसके अंदर सिर्फ चेंजेस आते हैं कितना चेंज और क्या हो रहा है ये जादू कितना चेंज हुआ है समझ में आया देखिए ये तो गई एसेट की लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो गई मान लो लाइबिलिटी की वैल्यू पचास हजार से बढ़ के हो गई सत्तर हजार इंक्रीज हो गई कुछ तो गड़बड़ है आज हाँ कितनी हो गई सत्तर हजार रुपए बढ़ गई वापिस से वेन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी इंक्रीजेस क्या करते हैं हम पता नहीं क्या हो रहा भाई है जिसको क्या करते हैं लाइबिलिटी को क्रेडिट करते हैं तो रिवैल अकाउंट टू क्रेडिटर ना क्रेडिटर ठीक है कितनी हो गई पचास से सत्तर बीस हजार तो हमने यहां लिखा बीस हजार ठीक है तो हम क्या कर रहे हैं हसमत हाँ हम क्या कर रहे हैं अगर एसेट की वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है लाइबिलिटी वैल्यू बढ़ रही है कम हो रही है तो हम उसको एक एंट्री में पोस्ट कर रहे हैं सर क्यों कर रहे हो आप एंट्री में पोस्ट आप डायरेक्टली पार्टनर को बांट नहीं सकते क्या नहीं अब जो तो डायरेक्टली बांटेगा तो सोच कितनी बार बांटना पड़ेगा अरे इधर बढ़ी तो बांट दिया कम हुई तो बांट दिया इधर बढ़ी तो बांट दिया कम हुई तो बांट दिया इससे अच्छा ये नहीं है सब चीजों को एक साथ लिख ले फिर जो भी नेट आता है बचा हुआ आता है उसको बांट तो इसलिए हम क्या बना रहे हैं अकाउंट बना रहे। अगर इसको अकाउंट में पोस्ट करना सीखे तो देखो कितना आसान है मैं यहां दो चीजें लिखता हूं क्लियर हो जाएगा माइनस भाई कुछ तो हो रहा है आज कुछ है भाई तेरे अंदर हाँ एसेट माइनस लाइबिलिटी प्लस एंड एसेट प्लस लाइबिलिटी माइनस मतलब डेबिट में क्या लिखेंगे जब भी एसेट कम होगा तो यहां आएगा टू डिक्रीज इन एसेट भाई साहब टू डिक्रीज इन एसेट जिस वैल्यू से आपका एसेट कम हुआ है वो यहां पर आ जाएगा फर्ज कीजिए अपनी बिल्डिंग एक लाख से सत आ, कितनी हो गई थी सत्तर हजार तो हम यहां लिखते कि हमारी बिल्डिंग में तीस हजार रुपए की कमी आई तो यहां लिखते टू बिल्डिंग तीस हजार क्या लिखते हैं टू बिल्डिंग तीस हजार रुपए समझ में आया सिमिलरली लाइबिलिटी अगर बढ़ रही है तो टू कुछ तो गड़बड़े आज तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी ठीक है टू इंक्रीज इन लाइबिलिटी जितने भी अमाउंट से इंक्रीज हुआ है वो हम यहां पर लिख देंगे सेम गोज इधर अगर एसेट बढ़ता है तो हम यहां लिखेंगे ठीक है बाय इंक्रीज इन एसेट और यहां लिखेंगे बाई ड्रीज इन लाइबिलिटी आज तो टेक्नोलॉजी भी मजे ले रही है समझ में आ गया एसिड बढ़ रहे हैं तो इस तरफ लिखेंगे लाइबिलिटी बढ़ रही है तो उस तरफ लिखेंगे कम हो रही है तो 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 अब समझिए क्यों करते हैं बहुत सिंपल है आपने जो एंट्री करी ना बस वो पोस्ट कर रहे हैं जब बिल्डिंग बढ़ रही है तो वो डेबिट हो रही है इसलिए यहां बाई साइड में आएगी ये देखो रिवेल्युएशन के क्रेडिट में है बिल्डिंग डेबिट है रिवेल्युएशन क्रेडिट साइड है क्यों है रीड करना सीखो अगर मैंने बोला कि ये लिखा मैंने बाय बिल्डिंग इसका मतलब क्या है इसका मतलब है को क्रेडिट किया गया है क्योंकि बिल्डिंग डेबिट हुई है समझ में आ गया रिवैल को क्रेडिट किया गया है क्योंकि बिल्डिंग डेबिट हुई है ऐसा समझा करो उसको मैं तो बचपन में जब बारहवीं कर रहा था तो इसी तरीके से समझता था क्लियर हो गया चलो अब जो इससे प्रॉफिट या लॉस आएगा वो पार्टनरों के बीच में बट जाएगा ठीक है जो भी प्रॉफिट या लॉस आता है एक्स वाई जेड वो पार्टनरों के बीच में बट जाएगा पार्टनर्स कैपिटल ए बी सी जो भी है उस रेशो में बट जाएगा कौन से रेशो में ओल्ड रेशो में अच्छा एक चीज और समझो इसमें एक पॉइंट और है क्या होता है कभी कभी ऐसा होता है कि यार हम तो है ना साफ सफाई कर रहे थे तब पता चला कि हमारे पास एक टाइपराइटर भी था पर वो हमारी किताबों में कहीं नहीं है मतलब बैलेंस शीट में कोई टाइप नहीं है पर अब हमें मिल गया टाइपराइटर तो हमारा एक नया एसेट आ गया देखो नया एसेट या एसेट में इंक्रीमेंट होना दोनों लगभग एक ही बात है तो अगर आपको एक नया एसेट कहीं पड़ा हुआ मिल जाता है तो उसको भी हम यहां लिखेंगे बाय अनरिकॉर्डेड एसेट बाय अनरिकॉर्डेड एसेट सिमिलरली अगर पता लग जाता है कि भाई रिवैल्युएशन कर रहे हैं और ये तो एक लाइबिलिटी इसको भी तो पैसे चुकाने कोई नई लाइबिलिटी मिल जाएगी तो यहां लिख दीजिए टू अनिटी क्लियर हो गया समझ में आया ठीक है समझ गए अब इसको और समझने के लिए चलिए क्वेश्चन करते हैं उससे बेहतर समझ में आएगा तो हमारे सामने एक क्वेश्चन है और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है अब इसको रिवैल्युएशन अकाउंट बना के सॉल्व करना है ठीक है जी चलिए देखें एक्स वाईडिट एंड लॉसेज देता हूं रेशो है फोर थ्री थ्री ये है ओल्ड ये न्यू हम रिवैल बना रहे हैं तो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग अभी निकाल के क्या ही करेंगे ठीक है

ठीक है यहां लिखा डेबिट साइड और शॉर्ट में लिख दिया एसेट माइनस लाइबिलिटी प्लस ये आप अभी समझने के लिए लिख सकते हैं पेपर में मत लिखना यहां लिखा एसेट प्लस लाइबिलिटी माइनस नाउ सी क्या कर रहे हैं सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टमेंट मैं लिख देता हूं ये एक एसेट बाईस हजार का था पच्चीस का हो गया बाईस से पच्चीस का हो गया तीन हजार बढ़ गए तीन हजार भड़ गए इन्वेस्टमेंट एक एसेट है वो इंक्रीज हो रहा है तो जनरल एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट कर दो डेबिट क्रेडिट कर दो रिवेल्युएशन को या फिर यहां बात करें तो बाय इन्वेस्टमेंट कितने बढ़ गए तीन हजार आज एक जादू की छड़ी मुझसे लेके जाना कैलकुलेशन में मिस्टेक आएगी सुधारेंगे कैसे आज ही बताऊंगा नेक्स्ट पच्चीस हजार की थी की रह गई बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी बीस हजार की थी कितनी पच्चीस की थी बीस की रहे पांच हजार उसकी वैल्यू कम हो गई एसेट है वैल्यू कम हो गई है तो टू प्लांट एंड मशीनरी पांच हजार की वैल्यू कम हो गई है साहब हमारी ठीक है नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग ये भी एक एसेट है। 40 का था पचास का हो गया चालीस था पचास हो गया एक्सपेंस लाइबिलिटी बेटा आउटस्टैंडिंग मतलब देने थे पर दिए नहीं तो इट्स लाइबिलिटी पांच हजार छ सौ की दिखा रहा है पर आज की तारीख में छ हजार है पांच हजार छह सौ नहीं छह हजार है यानी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई तो जब लाइबिलिटी बढ़ जाती है तो आ जाती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में कितना छह सौ रुपए छ सौ नहीं चार सौ पांच हजार छह सौ था ना चार सौ डेटर ये एसेट होते साठ हजार से पचास के रह गए पहले कितने थे वापिस में हाँ साठ हजार से पचास हजार के रह गए कम हो गए एसेट कम हो गया टू डेटर दस हजार साठ से पचास के रह गए नेक्स्ट लास्ट क्रेडिटर सत्तर के थे साठ के रह गए लाइबिलिटी कम हो गई दस हजार तो बाय क्रेडिटर दस हजार रुपए समझ में आ गया क्लियर हो गया कुछ नहीं बस हमने बना दिया ठीक है अब आप एक ही सोच रहे होंगे कि सर मान लो डेटर थे वो दस हजार कम हो गए साठ से पचास हो गए साठ हजार रुपए पिछले साल की बैलेंस शीट में लिखा हुआ है हमने लिख दिया कि भाई दस हजार कम हो गए में तो पचास हजार शीट क्रिएट करोगे ना तो उस बैलेंस शीट में हम ये लिखेंगे कि भाई नए डेटर जो है उनकी कीमत पचास हजार रह गई पर वो नेक्स्ट वीडियो का पार्ट है तब उसको करेंगे अभी चलिए ये हो गया है तो कर लेते हैं इसका पाचा बैलेंस कैसा निकालते कुछ लोगों को आज भी दिक्कत है है ना चलो दिक्कत खत्म करते पहले आप टोटल कर लो तेईस हजार इधर का देखो कितना पांच पंद्रह हजार चार सौ दोनों तरफ का कर लिया जो ज्यादा वाला है उसको दोनों तरफ लिख दीजिए इधर भी लिखा तेईस हजार तेईस हजार चार सौ ये लिखिए तेईस हजार ठीक है ज्यादा वाला दोनों तरफ लिखा फिर बड़े वाले को छोटे में से माइनस करा कितना आ गया सात हजार छह सौ पहले दोनों तरफ का टोटल करा जो ज्यादा वाला है उसको दोनों तरफ लिख दिया बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करा कितना आ रहा है सात हजार छह सौ उसको लिखेंगे डेफिसिट वाली साइड यहां जहां कम था टू तो पार्टनर्स कैपिटल या बैलेंस के नाम से जो भी आपको सिखाया गया है स्कूल में वैसे पार्टनर कैपिटल लिखते हैं एक्स वाई जेड ओल्ड रेशो में बांट दीजिए चलिए होमवर्क नंबर वन ओल्ड रेशो में बांटना है सात हजार छह सौ को फाइव थ्री टू में बांट दीजिए हो जाएगा आपका काम समझ में आ गया सबको क्लियर हो गया देख लो ठीक है अगर अगर पार्टनर कहते भाई साहब हमें तो है ना छेड़ना नहीं है आई डोंट वॉन्ट टू एसिड की वैल्यू कम करना या बढ़ाना आई डोंट वॉन्ट टू चेंज तो क्या करते तो भी कुछ नहीं करते सात हजार छह सौ को आप ओल्ड की जगह गेनिंग सेक्रीफाइसिंग में बांट देते क्वेश्चन में लिखा होगा पार्टनर डो नॉट टू चेंज तो ठीक है करना यही काम है बस जो आंसर आएगा उसको गेनिंग में बांट देना ठीक है ना पर अभी ऐसा कुछ नहीं बोला तो हमने सात हजार छह सौ को ओल्ड रेशो में बांट देंगे जो भी आंसर आएगा प्लीज मेक श्योर की आप लिख दे वैसे तो कोई गलती नहीं हुई है अगर हो जाए तो माफ करना चलिए अब देखो भाई ये तो हो गया आपका पहली चीज अब एक चीज और समझो बहुत इंपॉर्टेंट है कहां लिखेंगे यहां लिखेंगे आप यहां से जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको मैं एक क्लियर कट बात बताता हूं हम लोग जो है ना अब यहां से अच्छे क्वेश्चंस पे जा रहे हैं एक नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन पे जा रहे हैं यानी आज के बाद जब भी आप अकाउंटेंसी पढ़ोगे तो आपको कुछ ऐसे ही क्वेश्चन देखेंगे एक ऐसा अकाउंट बना होगा और ऐसे बहुत सारी चीजें लिखी होंगी तो एक चीज अपने दिमाग में बिठा लो कि क्वेश्चन जितना बड़ा होगा उतना वो आसान होगा क्वेश्चन की लेंथ जितनी बड़ी होगी तो उतनी वो आसान होगा और एक बात और अपने दिमाग में बिठा लेना कि अगर सवाल है तो जवाब भी है और कोई और कर सकता है तो मैं तो हंड्रेड परसेंट कर सकता डरना नहीं है अगर कोई भी बड़ा क्वेश्चन हमें दिखता है तो ठीक है चलिए तो भाई हमारे सामने एक क्वेश्चन है आशीष आकाश और अमित इनको समझने से पहले एक चीज और समझिए देखो रिवैल्युएशन अकाउंट जब हमने बनाया तो इसमें मेहनत लगेगी ना अकाउंट बनाने में तो चलो मेहनत लगी ये एसेट है इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी लाइबिलिटी है इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी यानी कि इसमें एक आदमी लगेगा जो दो दिन चार दिन पांच दिन छह दिन दस दिन इस काम को करेगा तो कभी कभी क्या होता है कि हम किसी एक पार्टनर को बोल देते हैं भाई यार तू कर ले आओ पार्टनर बोलेगा मैं क्या फालतू दिख रहा हूँ तेरे को नहीं मैं क्या फालतू दिख रहा हूँ तो मैं करूंगा तुम करो तो क्या होता है कि इस पूरे प्रोसेस को करने में जो दो चार छह दिन लगते हैं तो कभी कभी हम किसी एक पार्टनर को ये कह देते हैं कि भैया तू ये काम कर ले और बदले में मैं पांच हजार रुपए इस काम के एक्स्ट्रा दे दूंगा पांच हजार रुपए एक्स्ट्रा ले लियो तो ये काम निपटा दे यार तू ही कर सकता हम तो कर नहीं सकते इसको बोलते हैं रिवैल्युएशन के एक्सपेंसिस दस में से दो ही क्वेश्चन मिलेगा पर मिलेगा यानी रिवेलुएशन करते समय जो खर्चा हो रहा है छोटा मोटा वो ठीक है तो जब हम इस खर्चे को काउंट करते हैं तो खर्चा कहां लिखा जाता है टू साइड किस साइड टू साइड तो तीन केस बनते हैं आप या दो ही पकड़ लो तुम मान ली दो ही बहुत है केस नंबर एक वेन एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय फर्म एंड पेड बाय पार्टनर ये पेड बाय पार्टनर में इसलिए लिख रहा हूं रिजोल्यूशन में बहुत काम आएगा ठीक है थाकिए? अभी ज्यादा इसका मतलब नहीं है पर काम आएगा मतलब फर्म ने पार्टनर को कहा है कि भाई तू दे देना मैं मैं तेरे को पैसे दे दूंगा पांच हजार रुपए ठीक है इसको हटा दो अभी कंफ्यूज नहीं होने पेड बाय पार्टनर का मतलब सिंपल फर्म जो है ना वो दे रही है ठीक है या इसकी दूसरी लैंग्वेज लिख लो वेन फर्म पे एक्सपेंसिस अमाउंट टू पार्टनर जब फॉर्म कहती है कि भाई मैं दे दूंगा तेरे को तो एंट्री क्या होती है रिवैल्युएशन टू पार्टनर कैपिटल ठीक है यानी यहां पर जैसे मान लो ए बी दो पार्टनर बी को बोला मैं दे दूंगा पांच हजार रुपए है ना तो बीस कैपिटल करेंगे यानी कि बी को पांच हजार रुपये फॉर्म दे रखी है ठीक है कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई हमने आउटसोर्स करा लिया पार्टनर बोले हम तो नहीं करेंगे तो मैंने कहा ठीक है मैं किसी बंदे को हायर कर लेता हूं उसको पांच हजार रुपए में दे दूंगा ठीक है तो जब किसी एक्सटर्नल एक्सटर्नल पार्टी पार्टी से काम कराया जाता है या सिंपल बोले तो पेड बाय फर्म फर्म ने ही किसी और को पैसे दे दिए तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में पार्टनर को तो मिलेंगे नहीं वो पैसे तो क्या हो जाएगा सेम एंट्री हो जाएगी बट रिवेलुएशन की जगह क्या आ जाएगा कैश आ जाएगा या बैंक आ जाएगा मतलब ये लिख दिया जाएगा कि भाई पांच दस हजार रुपए हमने दे दिए रिवेलुएशन बनाने में तो यहाँ टू कैश या, या बैंक आ जाएगा लिख लो इस बात को ठीक है तो जब पार्टनर कोई जिम्मेदारी दी जा रही है कि तू कर ले पांच हजार दे देंगे दे दे तो एंट्री रिवेलुएशन टू पार्टनर कैपिटल अगर किसी से आउटसोर्स करा लिया या फॉर्म ही संभाल रहा है उस बात को तो रिवेल्युएशन टू कैश टू बैंक ठीक है कैश या बैंक जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा ये थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा एंट्री है इसको करते हैं और एक क्वेश्चन सिर्फ और, सिर्फ और कुछ नहीं करेंगे account, जी? कुछ नहीं बना सिर्फ देखेंगे, वो बनाएंगे और काम खत्म करेंगे कल अपन फुल क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे ना तब करेंगे फुल क्वेश्चन अभी क्यों करना ठीक है चलिए तो आशीष आकाश एंड अमित पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसिस इक्वली आशीष आकाश एंड अमित पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड तीनों ये थे ठीक है फ्रॉम अप्रैल डिसाइडेड होना चाहिए ये क्रेडिटर है रिजर्व है कैपिटल अकाउंट है uh, कैश है स्टॉक लैंड एंड बिल्डिंग मशीनरी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस फरान इनका सब कुछ दे रखा है ठीक है हम अभी सिर्फ रिवैल बना रहे हैं तो आपका ध्यान सिर्फ पे होना चाहिए में जब जब लाइब्रिटी की वैल्यू कम हुई है लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ी है की वैल्यू है, है तब लिखना है यहां पंद्रह लाइबिलिटी पड़ी है हमारी सिर्फ एक लाइबिलिटी की वैल्यू में बदलाव है तो हम सिर्फ उसको ही करेंगे और किसी को नहीं करेंगे ठीक इसी बात है तो यहां पे जो पड़ा हुआ उससे मुझे कोई नजर नहीं है मैं बनाता तो हूं अपना रिवैल्युएशन अकाउंट और देखते हैं कि इनको कितना फायदा है रिवैल अकाउंट चलिए देखते हैं यहां लिखा डेबिट यहां लिखा क्रेडिट एसेट प्लस लाइबिलिटी माइनस एसेट माइनस लाइबिलिटी प्लस ठीक है देखिए वैल्यू वैल्यू ऑफ ऑफ स्टॉक स्टॉक टू 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 बी बी रिड्यूस रिड्यूस पहला एडजस्टमेंट याद रखो जब अपन पूरा क्वेश्चन करते क्वेश्चन यही होगा इसको मैं सिर्फ रिवैल्युएशन अकाउंट भी बना सकता हूं इससे मैं सब कुछ बना सकता हूं अभी मुझे सिर्फ रिवैल्यूएशन है तो मेरा तरीका वो होगा जिससे जल्दी आंसर आए अकाउंटेंसी में बच्चों के नंबर कम इसलिए नहीं आते कि वो कम जानते हैं बल्कि इसलिए कम आते हैं कि वो कम कर पाते हैं तो आपकी पहली अप्रोच होनी चाहिए फास्ट कैसे हो गए आपके आंसर तो भाई इसमें सिर्फ अकाउंट बनाना तो उसके लिए जो अप्रोच सही है वो ये है कि इसको छोड़ दो जो जो रिवैल्यू हुए हैं उन उनको हाथ लगाएंगे ठीक है पहला क्या है स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस टू की गई है एक लाख पच्चीस हजार ध्यान रखना रिड्यूस्ड बाय एक लाख पच्चीस हजार या हजारिड्यूस्ड टू एक लाख पच्चीस हजार इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है रिड्यूस्ड बाय एक लाख पच्चीस हजार इसका मतलब एक चालीस का स्टॉक है इसमें से एक लाख पच्चीस हजार हटा दो पंद्रह हजार के रह गए ये होता है रिड्यूस बाय बाय मतलब इतने से कम कर दो एक है रिड्यूस्ड टू यानी कि हमने स्टॉक की वैल्यू एक लाख चालीस हजार थी उसको कम करके एक लाख पच्चीस कर दिया ये तो यानी कि कितने कम हुए पंद्रह समझ में आया वापिस समझ लीजिए क्वेश्चन में है कि स्टॉक की वैल्यू को रिड्यूस्ड कर दिया गया है एक पच्चीस तक रिड्यूस्ड टू का मतलब तक रिड्यूस्ड बाय मतलब इतना कम कर दिया तो स्टॉक की वैल्यू को रिड्यूस टू किया गया है एक लाख पच्चीस हजार तक एक चालीस के थे स्टॉक पच्चीस के अब रह गए तो पंद्रह हजार स्टॉक कम हो गए टू स्टॉक पंद्रह हजार नेक्स्ट मशीनरी रिड्यूस्ड बाय टेन परसेंट देखो गया दस परसेंट से कम कर दो और ये है स्टॉक को यहां तक ले आओ से कम कर दो है अपना तो मशीनरी तो वैल्यू ऑफ मशीनरी दस परसेंट कम कर दी गई है कितनी है भैया ढाई लाख ढाई लाख का दस परसेंट हटा दिया कितना कम हो गया कम हुई ना पच्चीस हजार रुपए कम हो गया टेन परसेंट नहीं आता बेटा तो कैलकुलेट कर लो क्या थी बिल्डिंग थी मशीन थी मशीन थी ना मशीन थी ठीक है आगे देखिए लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय बासठ हजार लैंड एंड बिल्डिंग को बासठ हजार से बढ़ाना है जितना भी है उसमें सिक्सटी टू थाउजेंड कर देना कहा लैंड एंड बिल्डिंग चार लाख की थी सिक्सटी टू एड करना है नया हो जाएगा फोर सिक्स टू फॉर मुझे लेना देना सिर्फ नए से नहीं है हमें तो सिर्फ चेंज से बात करनी है तो लैंड लैंडिंग लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गई कितने से बढ़ी सिक्सटी टू नई वैल्यू क्या है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है आगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट पांच परसेंट ऑन डेटर बनाना है डेटर पे, पे पांच परसेंट प्रोविजन बनाना है क्या हो गया याद आ गई <laughs> प्रोविजन तो प्रोविजन सिंपल है प्रोविजन इज अ अबिलिटी ठीक है जो डेटर के अंदर बनाया जाता है तो डेटर अस्सी हजार के हैं इस पर पांच परसेंट प्रोविजन बनाना है पांच परसेंट मतलब चार हजार की लाइबिलिटी बनानी है तो मैंने पहले भी समझाया था लाइबिलिटी बन रही है आ रही है और एड हो रही है इसमें कोई फर्क नहीं है तो हमने यहां लिखा टू प्रोविजन फॉर बेड डेफ चार हजार रुपए ठीक है बचपन में याद अपन करते थे डेटर अस्सी हजार माइनस चार हजार पीबीडी ग्यारहवीं याद करो बारहवीं का नहीं है ग्यारहवीं का ये सेवेंटी सिक्स ऐसे करते थे इसमें भी करेंगे पर कल करेंगे आज अपन ने सिर्फ रिवेल्युएशन देखा है लास्ट आकाश वॉज टू कैरी आउट रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फॉर्म एट रिमोन ऑफ दस हजार रुपए आकाश यही इसको बोला भाई तू कर ले सारा काम और हम तुझे दस हजार रुपए दे देंगे तो आकाश ने कर लिया काम दस हजार रुपए दे दो उसको टू आकाश कैपिटल अकाउंट दस हजार रुपए आकाश को भी दिए जाएंगे समझ में आ गया लॉस हो गया हमारा ठीक है चलो क्वेश्चन खत्म बैलेंस निकालते हैं कैसे निकालते हैं दोनों तरफ का टोटल लिखो यार में लिखा सिक्सटी टू यहां कितना है पंद्रह और पच्चीस हो गया चालीस पचास और ये हो गया चौपन ज्यादा कौन सा है? ये वाला तो इसको दोनों तरफ लिख देंगे ठीक है भैया पॉइंट में दे रहा है क्या पॉइंट में आएगा आंसर पॉइंट में आ रहा है क्या भाई एक सेकंड रुकेंगे चेक करें, एक बार देखो चेक करने दो मेरे को कि आंसर इसका पॉइंट में आ रहा है क्या अगर आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं नहीं आ रहा होगा तो फिर करेंगे देखते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई दिखाइए भैया कहाँ गए कहा गए ये आंसर है क्या वाउ आंसर ठीक है पॉइंट में आ सकता है चलिए ठीक है तो यह कितना हो गया में से चौपन गए छठ हजार रुपए देखते हैं कितनों का सही आता है तो होमवर्क नंबर टू एच डब्ल्यू टू पार्टनर्स कैपिटल ए एस ए के एम वन 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 ओल्ड रेशियो में बांटिए मुझे आंसर बताइए पॉइंट्स में आएगा आप चल ले दीजिए राउंड ऑफ कर दे ठीक है पॉइंट में जो भी है निकाल के मुझे बताना समझ गए चलो

जनरल रिजर्व है करें क्या हो गया आज का मेरा तो चलिए तो बाल को मेरी तरफ से आपका अकाउंट खत्म हो चुका है होमवर्क मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जो सबसे बढ़िया करेगा उसका नाम लेंगे कल की वीडियो में और जाने से पहले बाल को अगर अब तक आप हमारे सारथी में ज्वाइन नहीं किए हो तो कर लेना तीन हजार एक सौ रुपए मात्र अकाउंटेंसी इको बिजनेस तीनों लाइव रिकॉर्डेड कराए जाते हैं यानी जो क्लासेस हो जाती है उनको रिकॉर्डिंग आपको मिल जाती है जो भी चल रही है वो लाइव आप देखते हो नहीं देख पाते किसी वजह से तो उनकी भी रिकॉर्डिंग मिल जाती है साथ साथ में टेस्ट होते हैं एमसीक्यू होते हैं कम्युनिटी बनती है हजारों बच्चों के साथ आप पढ़ रहे होते हो तो अपने आप आ जाती है क्विज होते हैं जिनकी रैंकिंग आ जाती है और हर संडे को मेंटोरशिप सेशन होते हैं जहां पर आप ही के जैसे बच्चे जो दो साल पहले एक साल पहले तीन साल पहले नाइनटी सेवन नाइन्टी एट परसेंट फोड़ गया है बारहवीं में वो आपको गाइड करता है कि कैसे पढ़ना चाहिए और आगे क्या करना चाहिए ठीक है ज्वाइन करने का तरीका बहुत आसान है देखो जब जागो तब सवेरा है चाहे शाम ही हो रही हो ठीक है ना तो कैसे ज्वाइन करेंगे आप गौरव जैन सर्च कीजिए सारथी बैच के बैनर पे क्लिक कीजिए और एनरोल नाउ कर लीजिए कोई दिक्कत को परेशानी है तो सात छह नौ डबल शून्य चार एक टू पांच छह ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है इस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा ठीक है जी तो चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार